प्रदेश में मौसम विभाग ने घने कोहरे व शीतलहर की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 18 जिलों में रेड अलर्ट, 21 में ऑरेंज अलर्ट और 17 जनपदों में येलो अलर्ट जारी किया है। आज भी राजधानी लखनऊ में देर रात से घना कोहरा छाया रहा। ऐसे में लोगों को ठंड से बचाव की जो जरूरत है वो भी करनी पड़ रही है। राजधानी लखनऊ के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर वेद प्रकाश ने कहा कि समय वातावरण में नमी कम हो जाती है, जिसकी वजह से सांस के रोगियों और हृदय के रोगियों को ज्यादा दिक्कतें होती हैं। उन्होंने सलाह दी है कि जल्दी सुबह लोग खुले में टहलने न जाएं, घर में ही योगा और प्राणायाम करें, ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहने। जो लोग इसमें टहलने जाते हैं सुबह, वो ये देख लें कि जल्दी, बहुत जल्दी टहलने ना जाएं। जब सूरज निकल आए, धूप बढ़ जाए, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ने की तरफ जाए तभी निकलें, नहीं तो इंडोर में ही जो एक्सरसाइजेज हैं उनको करें। योगा, प्राणायाम, इंडोर एक्सरसाइजेज, कार्डियक एक्सरसाइजेज, उनको बढ़ावा दे सकते हैं। बच्चों को खास करके देखिए, पूरी तरह कवर करना होगा, जो पूरा सिर, कान और गले तक को कवर करना होगा। साथ ही जो हाथ और पैर हैं उनमें दस्ताने और सॉक्स पहन करके ही रहना चाहिए, पूरी तरह से कवर करके रखना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो घरों में पोंछा लगा करके और साफ सफाई अच्छी रखें, साथ ही साथ जो ह्यूमिडिटी है उसको मेंटेन करने की भी कोशिश होनी चाहिए। इस समय जो हवा है उसकी नमी भी कम है और टेम्परेचर भी कम है। इसमें जो पहले से ही सांस के रोगी हैं, प्रभावित रोगी हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। जिनमें अस्थमा के बच्चे हैं या बड़े लोग भी अस्थमा के हैं, सीओपीडी के रोगी हैं, ब्लड प्रेशर के, शुगर के रोगी हैं, इससे अतिरिक्त जो हमारे हार्ट के रोगी हैं, लंग्स के कुछ बीमारियां हैं, सीओपीडी या अन्य जो बीमारियां पहले से उनको हैं, उनको भी बचाव करना चाहिए।